YouTube पे फर्स्ट ऐसा YouTube चैनल है जो सोल्जर्स द्वारा चलाया जाता है, सोल्जर्स द्वारा सारी जानकारी दी जाती है। दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे सारे वीडियोस वॉच कर सकते हैं हमारे रिलेटेड जानकारी के लिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग फीडबैक प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम सोल्जर GD की जो पोस्ट है उसका जो रिटर्न एग्जाम होता है किस प्रकार होता है सारी जानकारी कवर करने वाले हैं। पेपर डिजाइनिंग से लेकर सिलेबस कौन सा होता है और कुछ क्वेश्चन सेट्स हम आपको देने वाले हैं, जिससे कि आप प्रिपेयर करोगे घर पे तो आप रिटन एग्जाम्स क्रैक कर लोगे। पर ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। दोस्तों यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस रेगुलर वॉच करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियोस की फीडबैक के लिए। फर्स्ट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, दोस्तों जो हमारा रिटन एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है, ये हम सभी को पता होता है। जो पोर्शन होता है इसका पैटर्न, जो डिजाइनिंग पैटर्न होता है वो होता है जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस आते हैं जो 30 मार्क्स के लिए होते हैं, और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 40 मार्क्स के लिए होते हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 30 मार्क्स के लिए होते हैं। पासिंग मार्क्स इसमें 32 बताई गई है। यदि आपके पास NCC का सी सर्टिफिकेट है तो आपका रिटन एग्जाम नहीं लगने वाला, आप ऐसे ही क्वालिफाइड कर दोगे खाली फिजिकल के दम पर। पासिंग मार्क्स कितनी बताई गई है इसमें से 32। आज से 3 साल पहले की या 2 साल पहले की या 1 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो आपको यदि 100 में से 40 स्कोर करते थे तो भी आपका फाइनल मेरिट में नंबर आ जाता था, पर आपको फिजिकल में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने पड़ते थे, मींस टोटल 140 में भी आपका नंबर आ जाता था आज से 2 साल पहले। पर अभी क्या हो रहा है, अभी यदि आप मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं कहना चाहूँगा, यदि आप 160 या 170 स्कोर करते हो तभी आपका फाइनल मेरिट में नंबर आता है, कुछ चांसेस होते हैं आने के। तो इसलिए आप ट्राई करो कि आपका 170 या 160 या 180 इस प्रकार आप सभी के ऊपर के नंबर आए। दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन सेट्स आप सभी के लिए डाल रखे हैं, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल है, कुछ मींस पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन सेट है जो कि मैंने 3 दे रखे हैं GD के, आप उसे डाउनलोड कर लो और उसके पढ़ लो और कंपेरिजन कर लो कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन सेट डिजाइन होते हैं। और सारा क्वेश्चन किताब में से ही आता है, जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही आता है, हिसाब से आप जजमेंट करो हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये मुझे क्लियर करना है। आप खाली इंपॉर्टेंट पे ध्यान दो, वो जो साइड का है उसे आप स्किप कर सकते हो, पर जो क्वेश्चन सेट मैंने दिया है उसमें कंपैरिजन करके देख लो कि हाँ यही आएगा। और सिलेबस का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, वो भी आप डाउनलोड कर लो, मीन्स डाल रखा है PDF, आप वो भी डाउनलोड कर लो। और दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें अपने दिल से या दिमाग से बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी चाहिए या शरीर से, क्योंकि हमें आगे आने वाले दिनों में कुछ तकलीफ हो तो इससे हमें आज से ही सीखना चाहिए कि आज से हमें तैयारी करनी है, आज से हमें फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी करनी है, क्योंकि दिन ब दिन पेपर टफ होता जा रहा है, तो टफ हो रहा है तो अभी क्रैक करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यदि आज से आप तैयारी करोगे तो अच्छी तरह आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है इंडियन आर्मी की रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद जय भारत।